राज्यवासी सेवाई हाथ खोली मुख्यमंत्री राज्य सामग्रिक विकास मंगलवार मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसी 66तम राज्य कैबिनेट बैठक में 12टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। राजस्व अबकारी पूर्त विभाग आरंभ कर जल संपद स्वास्थ्य जंगल और परिवेश विभाग को विशेष गुरुत्व दि जाएगी। प्रति जीवन मूल्यवान मंत्र आधार में स्वास्थ्य सेवार रूपातरण दिगरे विशेष गुरुत्वारोप कर राज्य सरकार। 5G रूपातरण पर्व सामिल होगा जाऊँगी राज्यर समस्त 1858 सरकारी डाक्तरखाना। एथिपाई आम हॉस्पिटल योजन आगत व्ययबराद को राज्य कैबिनेट मोहर बाजी। आगामी 5 वर्ष अर्थात 2023-24 आर्थिक वर्षर 2027-28 आर्थिक वर्ष निम्ते मोट 3388.73 कोटी टंका मंजूर करा जाइछि। आसंता 5 वर्ष मध्य राज्यर समस्त जिला मुख्य चिकित्सालय उपखंड चिकित्सालय समेत गोष्ठी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रगुड़िकर सुदृढ़ीकरण करा। तबे प्रथम वर्षरे 149 डाक्तरखानार रूपांतरण पर लक्ष्य रखा जाइछि। आम हॉस्पिटल योजना स्वास्थ्य सेवारे वैप्लविक परिवर्तन आणिबो। एही योजना अधीन समस्त हॉस्पिटल गुड़िकरे रोगी प्रतीक्षा स्थान गुड़िकर उन्नतीकरण सह मौलिक सुविधा मान उपलब्ध करा। मागणा औषध वितरण काउंटर संख्या बढ़िबो। जन सचेतन पई डिजिटल डिस्प्ले भिड़ नियंत्रण पई पेशेंट कॉलिंग सिस्टम प्रमुख व्यवस्था करा जिवो। एहा सह डाक्तरखाना परिसर रे मिशन शक्ति कैफे ठारु आरंभ करी आहार केन्द्र खोला जिवार व्यवस्था करा जिवो। यार कार्यान्वयन दायित्व समस्त जिलापाल मानक उपरे न्यस्त करा जाइछि। आम हॉस्पिटल व्यतीत ब्रह्मपुर रिंग रोड ऋषिकुल्या नदी उपरे ब्यारेज निर्माण राजधानी रे विद्युत वितरण योजनार सुदृढ़ीकरण पई स्क्रिप योजना अधीन 469.69 कोटी टंका अनुसूचित जनजाति जमी नियंत्रण आईन 1956 संशोधन प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट रो मोहर बाजी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ अड्डा ओडिशा।